हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर। हम थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री वही गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रेट लाइन। सो होप यू आर एबल टू सी द बोर्ड। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेट लाइन हम लोग स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज 27A। और 27A का हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक किए थे, तो आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 टू द लाइन। एक लाइन दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट निकालने बोला है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द कोऑर्डिनेट of the foot of the perpendicular drawn from the point 1, 2, 3 to the line। तो अगर हम इसको पिक्चर ड्रॉ करते हैं, दिस इज द पिक्चर। अगर ये पिक्चर ले रहे हैं लाइन का, एक्स माइनस लाइन का इक्वेशन एक्स माइनस 6/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 7/2 इज इक्वल टू जेड माइनस 7/-2। ये हो गया, ये दिस इज लाइन, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। और जो पॉइंट है उससे ये लाइन में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। उस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है। तो ये पॉइंट हम ले लिए पी, ये पॉइंट मेरा आ गया 1, 2, 3 और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इसको हम ले लिए क्यू, ठीक है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर हम इसको आर ले लें, ठीक है। तो दिस इज 3R+6 एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन 2R+7 और -2R+7, ये हो गया, ठीक है। अब ये क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया और पी का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2, 3। तो ऑब्वियसली अगर हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो, तो वो क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, दैट इज 3R+5, 2R+5, -2R+4, ये आ गया। दिस इज द डायरेक्शन रेशियो। अब ये डायरेक्शन रेशियो किसका है, पी क्यू लाइन का, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, दिस गिवन लाइन। तो अगर ये डायरेक्शन, ये लाइन अगर इससे परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, दैट इज 3। अगर हम इसको नाम दे दिए ए बी लाइन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो सिंस ये परपेंडिकुलर है, सो ये क्या हो जाएगा 3 × 3R+5 + 2 × 2R+5 - 2 × -2R+4, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम R का वैल्यू निकालेंगे, दिस इज 9R, दिस इज 15 + 4R+10 + 4R-8, ओके।
9R, दिस 17R, और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कैलकुलेट किए तो ये आ जाएगा 17 इजिकल टू 0। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 ऑब्वियसली। तो Q का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या आ जाएगा, R का वैल्यू यहाँ पर बैठा देंगे, -3 + 5 कॉमा -2 + 5 कॉमा +2 + 4। तो ये मेरा आ गया Q का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये मेरा आ गया +2 + 3 + 2 + 3 और ये आ गया 6 + 6। तो वो कोऑर्डिनेट जिसको जो मुझे फाइंड करने बोला था, इसका कोऑर्डिनेट इस दिस पॉइंट का जो स्टेटमेंट स्ट्रेट लाइन फुट जो इसका फुट ऑन द परपेंडिकुलर है उसका कोऑर्डिनेट होगा, हो गया मेरा 2, 3, 6। सॉरी व्यूअर्स, हेयर वी हैव टू पुट दिस दिस वैल्यू ओवर हेयर। तो दिस इज -3 + 6, दिस इज -2 + 7 ऑब्वियसली, +7 एंड दिस इज +2 + 7 +2 + 7। सो द कोऑर्डिनेट शुड बी +3, दिस इज +5, दिस इज +9। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू दैट शुड बी हाउ मच, 3 - 1² + 5 - 2² + 9 - 3² ये हो गया डिस्टेंस। तो ये क्या आ जाएगा मेरा 4 + 9 + 36, दैट इज √49, दैट इज 7 यूनिट, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दे। ओके, नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। फाइंड द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, टू पॉइंट्स दिया हुआ है। तो इसका मुझे वेक्टर इक्वेशन भी निकालना है और कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालना है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का, तो क्वेश्चन नंबर 17 में वेक्टर इक्वेशन द लाइन इज पासिस थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। ओके, तो सिंस द लाइन इज पासिस थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, सिंस यहाँ पर दिया हुआ है कि ए लाइन, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फाइंड अ वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ए 3, 4 - 6 एंड बी 5 - 2, 7। तो इसके लिए हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है, किसका डायरेक्शन रेशियो, ए बी का, ए बी का डायरेक्शन रेशियो। तो ए पॉइंट मेरा दिया हुआ है, ए पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3, 4 - 6, 3, 4 - 6। बी पॉइंट मेरा क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 5 - 2, 7, 5 - 2, 7। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 2, -6, 13, ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। तो अब हम क्या निकालेंगे कि सो द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड हुज डायरेक्शन रेशियो इज दिस
तो वो क्या हो जाएगा, सो द वेक्टर इक्वेशन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड लाइन लाइन रिक्वायर्ड लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इजिकल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप प्लस लैम्डा इंटू 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 13k कैप। ठीक है, ये आ गया। अब इसे कार्टेशियन इक्वेशन मुझे निकालना है। ठीक है, सो दी वेक्टर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म आ गया, तो कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू टू पॉइंट क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन, तो इसको हम मान चुके हैं एक्स वन वाई वन जेड वन, और इसको मान चुके हैं एक्स टू वाई टू जेड टू। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन दैट इज एक्स माइनस थ्री, एक्स वन माइनस एक्स टू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन जेड वन माइनस सेवन। ये आ गया ना, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री बाय माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस 4 बाई 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 6 बाई माइनस 13। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। और इसको अगर हम चेंज कर लेंगे डायरेक्शन रेशियो को, ये भी होगा, और इसको हम डायरेक्शन रेशियो इसका फॉर्म में अगर लाना चाहते हैं डायरेक्शन रेशियो, तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस 3 बाई 2 इजिकल टू वाई माइनस 4 बाई माइनस 6 इजिकल टू जेड प्लस 6 बाई प्लस 13। ये एक अलग दूसरा इक्वेशन आ गया। ओके, नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, तो ये भी सेम ही होगा। आप ये कोशिश कीजिए, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स हुज पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पोजिशन वेक्टर इज गिवन बाय, तो वहाँ पर पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ पर पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है। प्रोसेस प्रोसेस सेम ही होगा। ठीक है, तो अगर हम दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हुज पोजिशन वेक्टर। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, फर्स्ट पॉइंट पी है, उसका पोजिशन वेक्टर है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, और सेकेंड पॉइंट मेरा क्या है, क्यू पॉइंट, उसका पोजिशन वेक्टर है आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ये हो गया, तो अगर हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो, वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0, 3 प्लस 2 दैट इज 5, -2 -1 दैट इज -3। तो डायरेक्शन रेशियो पी क्यू आ गया 0 5 -3। ठीक है, और तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा इंटू, इसको हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3 कैप। ये इसका आ गया।
वेक्टर फॉर्म, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 19 आई थिंक। तो अब इसे कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, तो कार्टेशियन इक्वेशन मतलब दिस इज टू पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट हैं, तो अगर पॉइंट में कंसिडर करेंगे तो ये आ जाएगा वन, दिस इज माइनस टू, दिस इज वन अगेन, और क्यू अगर हम अगेन एक पॉइंट लेंगे तो वन वो आ जाएगा वन थ्री माइनस टू, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन इजिकल टू वन डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू इजिकल टू वाई माइनस वाई वन वाई प्लस टू माइनस वाई वन माइनस वाई टू और जेड माइनस जेड वन, जेड वन माइनस जेड टू प्लस टू। तो इक्वेशन आ गया एक्स माइनस वन बाई ज़ीरो इजिकल टू वाई प्लस टू बाई माइनस फाइव इजिकल टू जेड माइनस वन बाई थ्री, ठीक है। तो इसे कार्टेशियन इक्वेशन आ गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यही इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी आ गया, ठीक है। ये वेक्टर इक्वेशन ये आंसर है, कार्टेशियन इक्वेशन ये आंसर है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। तो दिस क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, EX27 है ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, वेक्टर इक्वेशन मुझे फाइंड करना है पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए थ्री माइनस टू वन, ठीक है, और एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट बी माइनस टू फोर टू और सी टू थ्री थ्री, ठीक है। तो हम ये बी सी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, बी सी का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, टू माइनस दिस फोर कॉमा थ्री माइनस फोर, थ्री माइनस फोर आ जाएगा माइनस वन, थ्री माइनस टू दैट इज थ्री माइनस टू करेंगे तो वो आ जाएगा वन। तो बी सी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया, फोर माइनस वन वन। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो इज दिस एंड हुई इज पासिंग थ्रू ए, ये मुझे निकालना है क्योंकि इसका पैरेलल जो वही लाइन होगा। हम लोग को क्या 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 जानते हैं कि अगर ये एक फर्स्ट लाइन हो गया एल वन और ये एक सेकेंड लाइन हो गया एल टू, तो इसका अगर डायरेक्शन रेशियो मेरा ए बी सी है तो इससे पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ए बी सी ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो, तो द वेक्टर इक्वेशन द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इजिकल टू ऑब्वियसली थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा इन टू फोर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये इसका वेक्टर इक्वेशन आ गया। और अब मुझे कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए डायरेक्शन रेशियो मुझे यही लेना पड़ेगा और वो लाइन पासिंग थ्रू ए है, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगा उसी लाइन का, एक्स माइनस एक्स वन वो है थ्री डिवाइडेड बाई फोर इजिकल टू वाई माइनस वाई वन वाई प्लस टू डिवाइडेड बाई माइनस वन इजिकल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई वन। तो ये आ गया उसका कार्टेशियन इक्वेशन।
तो उसके बाद हम चले जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमने फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज गिवन इन पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज गिवन। दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 20, ओनली द पॉइंट्स आर गिवन हेयर इन पॉइंट फॉर्म एंड हेयर इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज 3i cap माइनस 2j cap प्लस, दैट सेम, नो प्रॉब्लम विद दैट। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। तो ये मेरा थोड़ा कैलकुलेटिव मैथ है, क्योंकि मुझे पहले लाइन बी और सी दिया हुआ है, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मैथ हमें कर चुके हैं, तो हम ये आपको सिर्फ सॉल्यूशन का प्रोसेस बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि एक पॉइंट यहाँ पर है, वो पॉइंट है मेरा ए 1 2 1, ये एक पॉइंट है, ठीक है, और बी और सी नीचे नीचे मेरा बी और सी है, बी है और सी है, तो ये दोनों का पॉइंट भी, ये दोनों का पॉइंट भी दिया हुआ है 1 4 6, ये है 1 4 6, और सी का दिया हुआ है 5 4 4, 5 4 4, ठीक है। तो मुझे बी सी लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ से ऑब्वियसली, तो बी सी लाइन का अगर इक्वेशन मिल गया तो अगेन हम ये क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्यू ले लेंगे, ए और ए क्यू ले लेंगे, ठीक है, और इस लाइन में हम एनी पॉइंट ले लेंगे वही आर का फॉर्म में, जो जो हम प्रीवियसली कर चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में। तो फिर से हम इस अगर इसका इक्वेशन हम निकाल लिए, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ बीसी, बीसी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 बाई 4 माइनस 4 दैट इज 0 इज इक्वल टू जेड माइनस 6 बाई 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो ये इक्वेशन आ गया। अब इसमें हम ये किसका इक्वेशन है, बी सी का इक्वेशन दिस लाइन का, तो अब इसमें एनी पॉइंट ले लेंगे, एनी पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस 4 आर प्लस 1 माइनस 4 और 2 आर प्लस 6, ये एनी पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट ही क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया ऑब्वियसली, तो अब हम ए क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, वो डायरेक्शन रेशियो ये डायरेक्शन रेशियो से परपेंडिकुलर कर देंगे, तो उससे हम आर का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, वही आर का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये ट्राई कीजिए खुद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, सेम क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्यूशन शुड बी जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 22। सो एंड दिस क्वेश्चन कम्स इन 2005, सो यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन। ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसको डिटेल्सली सॉल्यूशन करते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए इमेज रिगार्डिंग स्ट्रेट लाइन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 0, हम इसको ले लिए पी 0, 2, 3, इसका इमेज मुझे फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू द स्ट्रेट लाइन x प्लस 3 बाई 5 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 बाई 5, इसका सॉरी z प्लस 4 बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वो स्ट्रेट लाइन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ किए और ये मेरा पॉइंट ले लिए, स्ट्रेट लाइन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ किए, तो इसका इमेज मतलब इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से डिस्टेंस और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से इसका डिस्टेंस,
ये अगर पी है तो इसको हम ले मान चुके हैं पी डैश, ठीक है। तो ये मुझे निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ये ड्राइंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पी दिस इज क्यू, तो एनी पॉइंट क्यू इन वन, एनी पॉइंट क्यू क्या आ जाएगा, 5r-3, 2r+1, 3r-4, दिस इज द एनी पॉइंट क्यू, ओके ऑन वन। अब सिंस ये पॉइंट और दिस पॉइंट, तो डायरेक्शन रेशियो हमको, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, 5r-3, 2r-1, 3r-7, 3r-7। अब यही डायरेक्शन रेशियो इस डायरेक्शन रेशियो से परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी से। अगर हम ये ए बी नाम दे दिए तो पी क्यू परपेंडिकुलर है किससे, ए बी से परपेंडिकुलर है। तो 5r-3 डॉट 5+ 2r-1 डॉट 2+ 3r-7 डॉट 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम ये कैलकुलेशन किए, दिस इज 25r-15 प्लस 4r-2 प्लस 9r-21 इक्वल्स टू 0। दिस इज -25, दैट इज प्लस 29, 29 28r आ गया, और इधर मेरा आ रहा है 15, -17, -17, -21। दैट इज -30, दैट इज 38 आई थिंक। तो ये दिस इज व्यू, दिस इज 38, 38 आर -38, दैट्स इक्वल टू 0। यहाँ से आर का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा 1। तो क्यू का मेरा जो क्यू हो गया, क्यू का जो पॉइंट हो गया वो हो गया 5 × 1, 5 × 1-3, 2 × 1+4, 3 × 1-4, ओके। तो ये आ जाएगा क्यू इंटू, दिस इज 5-3 दैट इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज -1। तो क्यू का मेरा आ गया 2, 3-1। अब हम यहाँ से अगर देखेंगे तो क्यू सिंस पी 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 डैश इज द इमेज ऑफ पी, तो ऑब्वियसली पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी होगा। मीन्स अगर हम लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश, इसको हम ले चुके हैं अल्फा बीटा गामा, अगर ये ले लिए तो अल्फा मेरा क्या आ जाएगा, अल्फा नहीं है, अल्फा नहीं, यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज अल्फा बीटा गामा। अगर ये ले लें तो अल्फा प्लस 0/2 इज इक्वल टू दिस 2, सो वी कैन राइट दैट अल्फा प्लस 0/2 इज इक्वल टू दिस 2। सिमिलरली बीटा प्लस 2/2 इक्वल टू 3। सिमिलरली गामा प्लस 3/2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 4। बीटा अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देते हैं, दिस इज 6-2, दैट इज बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 4, और गामा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज -2,
माइनस इधर माइनस फाइव, तो इमेज आ गया मेरा क्या आ गया, फोर फोर माइनस फाइव। ठीक है, तो यही है इमेज विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन, ये ए बी लाइन, दिस इज ए बी लाइन, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन ये है। क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फोर फोर माइनस फाइव। तो यही है, और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और वो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से अगर हम देखेंगे तो, दिस लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज 26 नंबर क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो 27 ये भी हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। 26 लास्ट क्वेश्चन, दिस इज नंबर 26। क्या बोला है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2 माइनस वन फाइव। पॉइंट अगर हम पी ले लिए 2 माइनस वन फाइव, इसका इमेज मुझे निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू 11 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप प्लस लैम्डा इंटू 10 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 11 के कैप। इसका इस पॉइंट का इमेज विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन। तो यहाँ से आर का, आर वेक्टर का, वेक्टर को अगर हम ऐसे लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर हम ऐसे डिनोट करेंगे तो यहाँ से अगर हम आई कैप कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 11 माइनस 11 प्लस 10 लैम्डा प्लस ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा। ठीक है, वो जे कैप आ गया प्लस माइनस 8 माइनस 11 लैम्डा वो आ गया के कैप। ठीक है, तो यहाँ से एक्स, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 11 प्लस 10 लैम्डा, वाई इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा, जेड इक्वल टू क्या आ गया माइनस 8 माइनस 11 लैम्डा, ये आ गया। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस 11 बाई 10 दिस इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से अगर हम लैम्डा का लैम्डा इक्वल टू करेंगे तो आ जाएगा वाई प्लस 2 बाई माइनस 4, और यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालेंगे तो आ जाएगा जेड प्लस 8 बाई माइनस 11। तो लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, एक्स माइनस 11 बाई 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 बाई माइनस 4 इज इक्वल टू जेड प्लस 8 बाई माइनस 11। ठीक है, अब वही पुराना मैथ, दैट इज इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो आप कोशिश कीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा मेरा इमेज का, इमेज आएगा 051। दिस विल बी द आंसर। तो ये आप खुशी से खुद ट्राई कीजिएगा, और सॉल्यूशन हुआ तो बताइएगा, नहीं हुआ तो फिर से आई विल हेल्प यू। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब एंड स्टे विथ मी ऑलवेज। और दिस इज द लास्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मी, दैट माई नेम इज अंशुमान सिन्हा, एंड मैं, मेरी इस चैनल पे बीएससी स्टूडेंट्स, क्लास 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, 10th, 11th और लोअर स्टूडेंट्स का भी मैथ रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।
तो मैथ रिलेटेड कुछ भी पाने के लिए मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ रहिए और घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।